गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले क्लासों में हम आपके सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो पिछले क्लासेज में हमने राजनीतिक दलों के ऊपर डिटेल से बात कर ली है। आज के क्लास में हम दबाव समूह पर बात करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, राजनीतिक दल और दबाव समूह से एक प्रश्न लगभग आपके एग्जाम्स में होता है। दबाव समूह को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले दबाव समूह का जो अर्थ है वो क्या है, दबाव समूह क्या होते हैं, साधारण शब्दों में दबाव समूह को किस प्रकार से हम बता सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। तो दबाव समूह कौन से समूह होते हैं, क्या होते हैं दबाव समूह? साधारण शब्दों में अगर हम बात करें तो दबाव समूह वे समूह होते हैं, वे संगठन होते हैं जो लोगों द्वारा संगठित होते हैं, या ये कहें कि लोगों का वो संगठित समूह जो अपने समुदाय के सदस्यों के हित की सिद्धि के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करता है। यानी ये वो संगठन है जो क्या करते हैं, सरकार की जो निर्णय की क्षमता होती है, निर्णय या ये कहें कि निर्णय व नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, ये ऐसे संगठन होते हैं, लोगों के ऐसे संगठन होते हैं जो क्या करते हैं, जो सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के निर्णयों और उसकी नीतियों को प्रभावित करते हैं। और वो नीतियों और निर्णयों को प्रभावित किस रूप में करते हैं, वो इस प्रकार से करते हैं कि उनके उनके समूह के जो सदस्य हैं उनके हितों की सिद्धि हो सके। तो साधारण शब्दों में हम दबाव समूह को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि लोगों के ऐसे संगठन जो अपने संगठन के सदस्यों की हितों की पूर्ति के लिए सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित करते हैं, सरकार के नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, वो समूह है, वो क्या कहलाते हैं, वो दबाव समूह कहलाते हैं। एक बात और, कुछ विद्वानों ने इसको इस रूप में देखा है कि दबाव समूह और हित समूह को एक जैसा मान लिया, या ये कहें कि दबाव समूह के स्थान पर हित समूह के स्थान पर दबाव समूह का प्रयोग किया। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि दबाव समूह और हित समूह में भी एक अंतर होता है। कोई समाज का कोई भी संगठन है, लोगों का कोई भी संगठन है, वो हित समूह हो सकता है, लेकिन जब तक वो हित समूह सरकार की निर्णयों और नीतियों को प्रभावित नहीं कर सकता, या सरकार की निर्णयकारिता को प्रभावित नहीं करता, तब तक वो दबाव समूह नहीं कहलाएगा। इसका मतलब समाज में बहुत सारे दबाव समूह हो सकते हैं, बहुत सारे हित समूह होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे हित समूह दबाव समूह नहीं बन पाते हैं। दबाव समूह उनमें से कुछ समूह है वो दबाव समूह बन पाते हैं, जो सरकार की नीतियों और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं अपने संगठन के सदस्यों के हित के लिए, तब वो हित समूह किस में बदल जाएगा, दबाव समूह में बदल जाएगा। देखो यहाँ लेकिन बिना देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बोर्ड पर आप क्लियर देख भी पा रहे होंगे कि कुछ विद्वान दबाव समूह के लिए हित समूह शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन बिना राजनीतिक प्रक्रिया को, या ये राजनीतिक प्रक्रिया कह सकते हैं या सरकार की निर्णयकारिता शक्ति कह सकते हैं, उसको प्रभावित किए बिना कोई हित समूह दबाव समूह नहीं बन सकता। एक सूत्र के माध्यम से मैंने यहां समझाने का प्रयास किया है कि एक हित समूह उसमें ऐड कर दिया जाए क्या प्रभावकारिता की शक्ति, तो वो हित समूह किसमें बदल जाएगा, दबाव समूह में बदल जाएगा। इसका मतलब ऐसे हित समूह तो समाज में बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब वो क्या करते हैं, उन्हें सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की जो शक्ति आ जाती है, तब ये किसमें बदल जाएगा, दबाव समूह में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से दबाव समूह जो संगठन है उनको देखने पर हम पाते हैं कि हित समूह में ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सरकार के निर्णयों और नीतियों को प्रभावित कर दे, तो वो दबाव समूह बन जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आपको जो अर्थ है दबाव समूह का वो समझ में आया होगा। यानी और बाद में आगे की क्लासों में हम इसको और क्लियर करेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आ सकता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो दबाव समूह और राजनीतिक दलों को जोड़कर भी आ सकता है, राजनीतिक दल दबाव समूह में अंतर क्या है, जिसको हम आगे और क्लियर करेंगे। उसके बाद में अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, दबाव समूह को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। मैं कुछ परिभाषाओं के बारे में जिक्र करूंगा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से इसको परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि दबाव समूह कैसे समूह है।
सबसे पहले देखिए हेनरी टर्नर, हेनरी ए टर्नर नाम के विद्वान राजनीतिक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने दबाव समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है, यानी इनका नेचर कैसा है, राजनीतिक दलों की भांति ये राजनीतिक संगठन नहीं है, ये गैर राजनीतिक संगठन है, ऐसा हेनरी ए टर्नर ने कहा। हेनरी टर्नर के अनुसार दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीतियों या सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो हेनरी टर्नर की जो परिभाषा है कि दबाव समूह गैर राजनीतिक संगठन है जो सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, ऐसे संगठन जो क्या करते हैं सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, दबाव समूह कहलाते हैं, हेनरी टर्नर की परिभाषा। उसके बाद में मैकाइवर ने इसको परिभाषित किया है। देखिए मैकाइवर की परिभाषा क्या है, मैकाइवर के अनुसार दबाव समूह ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का समूह है, यानी यहां पर मैकाइवर ने इसे संगठित दबाव समूह को संगठित भी मान लिया और असंगठित व्यक्तियों का भी समूह मान लिया। कई बार क्या होता है कि सदस्यों के मध्य गहरी बॉन्डिंग होती है, कई बार सदस्यों के मध्य गहरी बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन वो एक समूह के रूप में सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो मैकाइवर ने कहा है कि दबाव समूह तो ऐसे संगठित या असंगठित व्यक्तियों का समूह है जो दबाव के दावपेचों का प्रयोग करते हैं, यानी जो क्या करता है प्रेशर ग्रुप बन, प्रेशर एक प्रकार से दबाव के दावपेच सरकार के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जैसे हाल ही में कृषि जो बिलों के विरुद्ध किसानों का जो संगठन है जो सरकार पर दबाव की नीति के तहत काम कर रहा है, सरकार सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का, मतलब इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तो इस प्रकार से सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का काम ये किसान संगठन कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा है जैसे, तो ये लोग ये क्या है एक प्रकार से ये दबाव समूह का काम कर रहा है, यानी दबाव की दावपेचों का काम करता है किस किस प्रकार से सरकार पर प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके। उसके बाद में है माइनर वीनर की परिभाषा। माइनर वीनर एक प्रमुख पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं। उनके अनुसार दबाव समूह ऐसे ऐच्छिक समूह हैं। कैसे समूह है, देखिए एक इंफेसाइज है इस पर, ऐसे ऐच्छिक समूह जो प्रशासनिक ढांचे के बाहर रहते हैं, मतलब कहां रहते हैं प्रशासनिक ढांचे के भीतर नहीं रहते हैं, प्रशासनिक ढांचे के बाहर रहकर सरकारी कर्मचारियों के नामांकन अथवा उनकी नियुक्ति, सार्वजनिक नीति के निर्माण और उनके प्रशासन एवं निर्वाचन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, यानी वो ये दबाव समूह वो ऐच्छिक समूह है जो क्या करते हैं सरकार के बाहर रहते हैं, सरकार में नहीं रहते, सरकार के बाहर रहते हैं और प्रशासनिक ढांचे से बाहर रहते हुए क्या करते हैं सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी भर्ती, इसके अलावा नीति निर्माण, उसके अलावा प्रशासन और निर्वाचन को प्रभावित करने का काम दबाव समूह द्वारा किया जाता है। तो ऐसे 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 ऐच्छिक समूह क्या कहलाएंगे, दबाव समूह कहलाएंगे। उसके बाद में बीके गोखले की परिभाषा देख लें आप। गोखले ने कहा है कि वे निजी समुदाय, गोखले ने इसके लिए क्या शब्द काम में लिया कि वो निजी समुदाय जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हैं और क्या करते हैं अपने हितों को बनाए रखते हैं, अपने हितों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का काम करते हैं, ऐसा ये चाहते हैं कि सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करते हुए अपने हितों को पूरा किया जाना चाहिए, ऐसे समूह क्या कहलाते हैं, बीके गोखले के अनुसार ऐसे समूह दबाव समूह कहलाते हैं। उसके बाद में फाइनर की परिभाषा देख लीजिए। फाइनर ने कहा है, ई फाइनर ने दबाव समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि दबाव समूह स्वतंत्रता व राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र संस्थाएं हैं, यानी कैसी संस्थाएं हैं, यानी ये स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक स्वरूप की ओर ध्यान दिए बिना, यानी जो सत्तारूढ़ सरकार है उसका स्वरूप क्या है उसके स्वरूप पर ध्यान दिए बिना ये क्या करते हैं, ये राजनीतिक दलों व नौकरशाही के साथ एक प्रकार से सौदेबाजी करते हैं। दबाव समूह के लिए क्या शब्द काम में लिया इन्होंने कि नौकरशाही के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर क्या करते हैं, ये सौदेबाजी करते हैं, यानी इसको इस रूप में हम परिभाषित करते हैं कि दबाव समूह। देखिए यहां पर जो फाइनर की परिभाषा है उसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि दबाव समूह मुख्य रूप से स्वतंत्रता और राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ संस्थाएं होती हैं जो सत्तारूढ़ सरकार के राजनीतिक स्वरूप को ध्यान दिए बिना ही राजनीतिक दलों और नौकरशाही के साथ सौदेबाजी करती हैं। इसके अलावा सीएच ढिल्लो ने भी इसको परिभाषित किया है। सीएच ढिल्लो की परिभाषा आप सुन लीजिए। सीएच ढिल्लो के अनुसार हित समूह ऐसे लोगों का समूह है जिनके उद्देश्य सम्मान होते हैं,
जब हित समूह को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार पर कुछ चाहने लगते हैं तो वे दबाव समूह का रूप धारण कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ और परिभाषाओं की भी बात हम यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि सारी परिभाषाएं तो लिख पाना काफी लंबी हो जाएगा, लेकिन एक दो परिभाषा मैं और बताता हूं। डेल के अनुसार दबाव समूह राजनीतिक प्रक्रिया के वे भाग होते हैं और सरकारी नीतियों की दिशा निर्धारित करने या बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन स्वयं सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। ये राजनीतिक दलों से विविधता हो गई। इसी प्रकार से कुछ और परिभाषाएं जैसे ओडिगार्ड है, उनके अनुसार दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य होते हैं, स्वार्थों एवं स्वार्थों और घटनाक्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं कि उनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। तो इस प्रकार से ओडिगार्ड ने इसको इस प्रकार से परिभाषित किया है। ये बहुत सारी परिभाषाएं हमने यहाँ देख ली है और इन परिभाषाओं के साथ ही कुछ और बात, एक दो बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि दबाव समूह और हित समूह में अंतर होता है। यानी दबाव समूह और हित समूह का जो अंतर है वो हमने देख लिया है। वैसे तो इसी प्रकार जब वह अपने संगठित रूप में सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं तो वह दबाव समूह की श्रेणी में आ जाते हैं। अनेक विद्वानों ने दबाव समूह हित समूह को समान अर्थ में भी प्रयोग किया है। ऐसा करना वैसे गलत होगा क्योंकि समाज में हित समूह तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन दबाव समूह की श्रेणी में कम ही समूह दबाव समूह की श्रेणी में आ पाते हैं। क्योंकि हित समूह की सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते रहते हैं, इसी कारण उनके प्रहय दबाव समूह ही समझ लिया जाता है। तो इस प्रकार से हित समूह और दबाव समूह में भी जो अंतर है वो हम यहाँ कर पाए हैं। आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे, कल के क्लास में हम इसको और डिटेल में दबाव समूह के कुछ अन्य पक्षों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।